नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर बलरामपुर गैंगरेप पीड़िता घर प्रमुख सचिव अवनीश अवस्थी और ADG प्रशांत कुमार वर्मा ने पहुंचकर उनका हालचाल जाना। उन्होंने पीड़ित परिवार से अब तक हुई कार्यवाही के बारे में विस्तृत जानकारी लेते हुए हर तरह से मदद करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले में जितने भी गुनाहगार हैं वह किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे तथा सरकार की तरफ से हर संभव सहायता और सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। उनसे मिलकर बात करके पीड़िता का परिवार संतुष्ट नजर आया। पीड़िता के भाई और नाना दोनों ने विश्वास जताया कि अब हमें न्याय मिलने की उम्मीद जगी है, जबकि उसके पहले पीड़ित परिवार का आरोप था कि यहाँ का पुलिस और प्रशासन हमारे साथ न्याय नहीं कर रहा है। लेकिन प्रमुख सचिव से मिलने के बाद अब वह आश्वस्त नजर आ रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि दोषियों की फांसी की सजा हमें मंजूर नहीं है। अब देखना है कि बलरामपुर की इस बेटी को जो आज इस दुनिया में नहीं है उसे न्याय मिल पाएगा तो कब और कैसे मिल पाएगा। आइए सुनाते हैं कि परिजनों ने क्या कुछ कहा। आपका केस जाएगा और जल्द से जल्द जितने भी मैंने बता दिया कि पुलिस प्रशासन यहाँ दबाव में, यहाँ अगर आप हो सके तो आगे किसी और से कार्रवाई करवाइए। और आपका जो भी मैंने बताया कि मेरी बहन के साथ गैंग रेप हुआ, नहीं किस तरह पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 10 जगह उसकी चोट आई, दो आरोप सिर्फ पकड़े गए हैं। नहीं, यहाँ का पुलिस प्रशासन किस तरह दबाव में है, कैसे दबाव में, दबाव की आप बात कर रहे हैं? तो हम ये थोड़ी जानते हैं किस तरह दबाव में है। नहीं, क्या मामला, मतलब पुलिस आपके साथ न्याय नहीं कर रही है? तो अगर न्याय करती तो 8 दिन हो गया, तो आरोपियों से इतना नहीं कुलवा सकती थी कि और कौन कौन साथ में थे। उसी दिन उसको पकड़ लिए और बाकी बंद कर रहे हैं रिक्शे वाले को, और जो दवा करने गया था उसको, जो साथ में था उन लोगों का, उन तक अभी पुलिस पहुंची ही नहीं। अच्छा, ये प्रमुख सचिव और ADG ने आपसे क्या, आपको क्या आश्वासन दिया, क्या कहा? भरोसा दिलाया है कि आपके साथ जल्द से जल्द न्याय होगा। और किसी तरह कोई आर्थिक सहायता वगैरह? आर्थिक सहायता मैंने, मेरे नाना ने बताई है, मेरे पास दो बहन है, मुझे उसकी भी परवरिश करनी है। तो कुछ उन्होंने आर्थिक सहायता देने के लिए भी कुछ आश्वासन दिया आपको? हाँ दिया। क्या कहा? जो मेरे नाना ने कहा, उन्होंने कहा कि हम करेंगे। अवस्थी जी से पूरे प्रकरण को बताया और लास्ट में हमारी मांग है कि जो मुलजिम हैं उनको पकड़कर जेल भेजा जाए और उनको फांसी की सजा दी जाए, और यह है कि जो वास्तविक में मुलजिम हैं उन्हीं को भेजा जाए, गलत किसी को न भेजा जाए, और फांसी की सजा जब तक होगी नहीं तब तक हमारे आत्मा को शांति होगी। क्या आश्वासन मिला आपको? अवस्थी जी ने कहा है ठीक है, फांसी की सजा उनको दी जाए। और किसी तरह से और आर्थिक सहायता वगैरह के सहायता वगैरह जो कहे हैं, आर्थिक सहायता कहे जो मिलना है वो आपको मिलेगा। तो क्या आप उनकी बातों से संतुष्ट हैं? आपको लगता है कि आपको न्याय मिलेगा? हाँ, न्याय। वहीं मौके पर पहुंचे अवनीश अवस्थी प्रमुख सचिव ने घटना के बारे में क्या कुछ बताया। हमें कल निर्देश हुआ था कि आज हम बलरामपुर में परिवार के साथ आए यहाँ पहुँचे। मैं ADGLO प्रशांत वर्मा जी के साथ आज यहाँ आया हूँ। हमने खुद परिवार को सुना है, परिवार की हर बात को समझा है, आप लोग स्वयं मौजूद भी रहे हैं। परिवार के जो भी हम सहयोग कर सकते हैं और परिवार ने जो अपने बिंदु बताए इसको ये बहुत क्लोजली हम लोग मॉनिटर करेंगे। क्या क्या बातें कही? और बेसिकली उन्होंने ये कहा है कि जो भी इसमें दोषी हैं उनको किसी रूप में छोड़ा ना जाए, और यदि कोई और छूट गए तो उनको भी जो है खोज निकाल कर जो है उन पर भी बहुत प्रभावी कार्रवाई की जाए। तो हम इसी उस पर जो है अभी सभी अधिकारियों के साथ बैठ कर बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। इनके परिवार से DM लगातार दूसरे तीसरे दिन मिलते रहेंगे, और साथ ही जो है हम जो कार्रवाई सख्ती से करनी है उस पर हम कोशिश ये करेंगे कि उसमें कहीं कोई कमी ना रहे, और हमारी तरफ से बहुत ही ये जो है मैं कह सकता हूँ दुखद घटना है। परिवार जो है ने जो अपनी बात बताई है, और ऐसे में जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट भी चलेगी,
और सख्ती इतनी होगी कि कहीं कोई बचने नहीं पाएगा। सर एक सवाल और है सर मेरा।